नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। सहरसा बंगाली बाजार स्थित रेलवे गुमटी पर वर्षों से लंबित रहे ओवरब्रिज के निर्माण की मांग को लेकर कोशी युवा संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज शहर के शंकर चौक को पूरी तरह जाम कर दिया और ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। बता दें कि बीते कल रेलवे फाटक बंद होने से जाम में फंसे होने से इलाज के लिए जा रहे 1-2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिससे नाराज कोसी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। बता दें कि शहर के बंगाली बाजार रेलवे गुमटी पर रेलवे फाटक बंद होने से शहरवासियों को जाम से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार गंभीर मरीज इस जाम में फंसकर काल के गले समा गए। बावजूद अभी तक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो पाया है। खास बात तो यह है कि इस ओवरब्रिज का अलग अलग समय में 3 बार शिलान्यास किया जा चुका है। क्या रहेगी मांग तो पूरा सहरसा वासी का है कि सहरसा जाम से त्रस्त रहता है। 30 सालों से एक ओवरब्रिज निर्माण की बात की जा रही है। हर बार चुनावी मुद्दा बनाया जाता है उस जाम के वजह से। आए दिन आओ फिर घटते रहती है। कल भी 1-2 वर्ष का बच्चा आदर्श का मृत्यु हो गया। जदयू का नेता जहाँ अमरदीप शर्मा का पुत्र था, 2 वर्ष का बच्चा जो एम्बुलेंस में 2 घंटा तक जाम में फंसा रहा, दम घुटने से उसकी मौत हो गई। कौन जिम्मेवार है उसका? सरकार से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो किसका जिम्मेवार यही लोग है। ओवरब्रिज निर्माण अगर नहीं होगा तो आए दिन ये घटना घटती रहेगी। जाम की वजह से पूरा सहरसा जाम रहता है।